यहाँ से हम पिक्सल लैब डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्सल लैब आ गया है जो कि इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, मैं इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ और दोस्तों ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये 25-26 MB का पिक्सल लैब है जो कि ये इंस्टॉल हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो मोबाइल से थंबनेल बनाते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन में, दोस्तों वो एप्लीकेशन हम अपने पीसी या लैपटॉप में कैसे चला सकते हैं एंड उसको यूज करके कैसे थंबनेल बना सकते हैं, इस वीडियो में मैं दोस्तों लैपटॉप में पिक्सल लैब एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दिखाने वाला हूँ एंड चलाकर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप मेरे लैपटॉप के स्क्रीन पे देख सकते हैं, दोस्तों आपको अपने लैपटॉप में क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बॉक्स में आपको लिखना है ब्लू स्टार। दोस्तों ये ब्लू स्टार जो सॉफ्टवेयर है इसको आप अपने पीसी में लैपटॉप में डाउनलोड करके आप वो उसमें बहुत सारा मोबाइल एप्लीकेशन चला सकते हैं। आप जो एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं, गेम वगैरह सब कुछ चला सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको इंस्टॉल करूंगा और उसमें आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन चलाकर दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे ब्लू स्टार के जो फर्स्ट वाला लिंक है आपको इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे सिंपल ये आप देख सकते हैं ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया है, तो आपको इस डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों यहाँ पे आपको सेव वाले ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। करने के बाद इसको सेव कर देना है एंड दोस्तों ये डाउनलोड हो गया। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया, इसको इंस्टॉल करना है तो इस पे डबल क्लिक करना है। एंड डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यस दे देना है। यस देने के बाद दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने लगेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ गया है, इंस्टॉल नाउ पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है। और दोस्तों ये सॉफ्टवेयर 169 MB का है जो कि आपके पास MB रहना चाहिए, डेटा रहना चाहिए आपके लैपटॉप में, जो आप लैपटॉप मोबाइल का हॉटस्पॉट से या ब्रॉडबैंड से चलाते हैं तो उसमें नेट होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गया है और इसको अब इंस्टॉल करना है। और ये डाउनलोड हो गया एंड दोस्तों एक दोबारा फिर से डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया जो कि 516 MB का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये भी मिनिमम कम से कम 4 मिनट तो लग ही जाएंगे दोस्तों, तो थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप कर रहा हूँ। और दोस्तों ये ब्लू स्टॉक डाउनलोड होने वाला ही है, 99.4% हो गया है, बस ये डाउनलोड हो ही गया। एंड दोस्तों डाउनलोडिंग फिर से और एक हो रहा है 115 MB का जो कि ये भी कुछ देर में हो ही जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये डाउनलोड हो गया है, अब ये ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चेकिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट कर रहा है कि आपके मतलब सिस्टम में वो स्पेस है ना इसको रनिंग कराने के लिए ब्लू स्टॉक के। तो थोड़ा सा दोस्तों इसको इसके लिए आपको 2 GB रैम वगैरह लगता है अपने पीसी में चलाने के लिए। आपका पीसी में 2 GB रैम होगा तो आराम से ये चल सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फाइल हो रहा है और कुछ ही देर में ओपन हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ये मैं लाइव कर रहा हूँ, आप लोग भी बने रहे वीडियो में लास्ट तक। तो लगभग फिनिशिंग हो ही चला है, 80-70% हो गया, 87% हो गया है। और ये इंस्टॉल हो गया दोस्तों। फिर इसको ओपन करते हैं, ये वाला ब्लू स्टॉक इंस्टॉल हो गया है और यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15% हो गया एंड 16, 17, 18 भी हो गया और ये 38, 99, 98, 100 हो गया। एंड दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्लू स्टॉक ओपन हो गया है। एंड दोस्तों यहाँ से मैं फुल स्क्रीन कर दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको गेम देखने को मिल जा रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें आपको यहाँ पे ये गूगल प्ले का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसको बनाना होगा, किसी मेल आईडी से इसको लॉगिन करना होगा। तो चलिए यहाँ पे पहले हम इसको लॉगिन कर लेते हैं मेल आईडी से। देख सकते हैं ये सिंगिंग का ऑप्शन आ गया, इसमें आपको क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत चेकिंग चलेगा और उसके बाद मेल आईडी का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल आईडी का ऑप्शन आ गया जो कि यहाँ पे आप वो मेल आईडी डालकर लॉगिन कर सकते हैं, क्रिएट अकाउंट बनाकर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपना मेल आईडी डाल दे रहा हूँ एंड दोस्तों नेक्स्ट कर दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डालना है, आपका जो भी पासवर्ड होगा वो पासवर्ड आपको डाल लेना है। पासवर्ड डालने के बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। और दोस्तों यहाँ पे हम लॉगिन हो गए हैं, एक्सेप्ट कर दे रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्ले स्टोर खुल गया है, अब यहाँ से हम पिक्सल लैब डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पिक्सल लैब आ गया है
जो कि इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन है, मैं इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ और दोस्तों ये कुछ ही देर में इंस्टॉल हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ये 25-26 MB का पिक्सल लैब है जो कि ये इंस्टॉल हो रहा है। और दोस्तों यहाँ पे पिक्सल लैब इंस्टॉल हो गया है, यहाँ पे ओपन का ऑप्शन आ रहा है तो आपको ओपन पे क्लिक कर देना है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन हो गया है। यहाँ पे एकदम सेम आप जैसे मोबाइल में चलाते हैं वैसे आ गया है बिल्कुल। तो दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं आप, ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना है एंड और आपको ये वाला कस्टम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और नीचे में आकर यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक कर देना है एंड ओके करना है। और दोस्तों यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल का ये साइज बन गया है, यहाँ पे टेक्स्ट है, आप चाहे तो इसको एडिट कर सकते हैं, डबल क्लिक करके आप यहाँ इस पे टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं अपना चैनल नेम टाइप कर दिया हूँ एंड ओके कर लूंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये, और इसका आप चाहे तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये वाला ऑप्शन एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इस पे आपको क्लिक करके आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर जाओगे तो यहाँ पे फॉन्ट का एलवी का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करके आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं फॉन्ट चेंज कर दिया हूँ एंड ओके कर दे रहा हूँ। दोस्तों आप इसको ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, कहीं भी ऐसे सेट कर सकते हैं इजिली, और आप का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से, इस पे आप क्लिक करके, और यहाँ पे कलर का ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे कलर पे क्लिक करके व्हाइट कर सकते हैं, यहाँ पे रेड कर सकते हैं, मतलब यहाँ से आप ग्रेडियंट भी कलर कर सकते हैं। ग्रेडियंट पे क्लिक करके प्लस वाले आइकन पे दबा के, और यहाँ से आप अपना ये ग्रेडियंट भी कलर कर सकते हैं यहाँ से, और बहुत सारा आपको कलर देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे क्लियर ऐसे कर ले रहा हूँ एंड ओके कर दे रहा हूँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे एंड ओके कर दे रहा हूँ, तो दोस्तों एंड ओके दोस्तों आप देख सकते हैं ये कलर कुछ ऐसा हो गया है। तो दोस्तों आपको अपने पीसी या लैपटॉप में ऐसे ही ब्लू स्टार डाउनलोड करके एंड उसमें प्ले स्टोर बनाकर आप पिक्सल लैब, फ्री फायर, पबजी, कोई भी गेम या कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसको चला सकते हैं। तो दोस्तों यार वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो यार वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे। सो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।